सर ये 7 स्टेट 7 कंट्री के हिसाब से हमने बोला था, 7 कंट्री के फूड अवेलेबल है और स्पेशलिटी 7 कंट्री फूड, मल्टी क्यूजन है और वेज रेस्टोरेंट है। सलीम जी आज आपके रेस्टोरेंट में आए योगेश लखानी जी के साथ, तो सलीम जी ने आज यहाँ पे आपके लिए एक गाना भी गाया और उन्होंने फूड टेस्ट किया, बहुत अच्छा लगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा आपको? सर फूड वाइज मतलब फूड बहुत अच्छा है यहाँ का, और योगेश भाई के थ्रू सलीम भाई आए हैं तो ब्राइट से हमारा बहुत अच्छा घरेलू संबंध है, उस हिसाब से यहाँ पधारे हैं वो। गाना बहुत अच्छा है उनका, उनका वॉइस बहुत वंडरफुल और माहौल अच्छा बना दिया उन्होंने। और आपके यहाँ कोई अगर खाने के लिए आए तो उसमें कौन सी डिश आपकी सबसे फेमस है यहाँ? सर ऑलमोस्ट सारी डिशेस फेमस है, मारवाड़ी फूड भी हम अवेलेबल करते हैं, मारवाड़ी में भी पूरा मारवाड़ी फूड मिलेगा और मल्टी क्यूजन है। और वैसे हमने करीब साल भर सवा साल पहले स्टार्ट किया, लेकिन बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है और बहुत अच्छा चल रहा है। इसकी ब्रांचेज हमारा टारगेट है 7 ब्रांचेज बनाने का, नेक्स्ट ईयर तक हमारा टारगेट है 7 ब्रांचेज बनाने का। थैंक यू। बेशक खाना तो बहुत ही कमाल का है, और मेरा तो मानना ये है कि अगर फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जब खाना सही होता है ना, तो रेस्टोरेंट डेफिनेटली एक बहुत अच्छे माहौल अच्छे फैमिली रेस्टोरेंट है। और 7 बड़ा शुभ नंबर है, 7 स्क्रिप्ट रेस्टोरेंट का नाम है, 7 फेरे होते हैं, 7 सीज होते हैं, 7 आसमान कहते हैं, 7 सुर है, 7 दिन है। तो मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि इस 7 जो ये 7 स्क्रिप्ट है, इसके 7 ब्रांचेस क्या 700 ब्रांचेस हो। तो सर स्पेशलिटी है कि 7 देश का खाना है, 7 कंट्री का खाना है, तो वो बताइए उसके बारे में कुछ चेंज कितना ज़्यादा। मुझे तो 7 निवाले के बाद ही यू नो एकदम पेट में ऐसा लगा कि एक तृप्ति मिल गई, बहुत अच्छा लगा, खाना बहुत ही स्वादिष्ट है और मल्टी क्विजीन है, मल्टी यू नो फ्लेवर मल्टी क्विजीन है, तो बहुत सारे आपको वैरायटी इसमें यहाँ रेस्टोरेंट में है। लेकिन सबसे ज़्यादा इसका जो एटमॉस्फेयर है और जो खाना इतना स्वादिष्ट है, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि
खाने के बाद ऐसा लगता है कि दिल को खुशी मिलती है, मन को अच्छा लगता है, तो दैट्स अ वेरी बिग थिंग। सर कुकिंग के अगर कहा जाए तो आपको कितना इंटरेस्ट है कुकिंग का, जब आपको टाइम मिलता है तो क्या करते हैं? नहीं मैं कुकिंग नहीं कर सकता हूँ, छोटा मोटा अंडा वंडा बना सकते हैं हम बना लेते हैं, बट हम लोग मैं ज़्यादा कुकिंग करता नहीं हूँ, लेकिन खाने का किसी को शौक़ नहीं है, जो गाना गाता है उसको खाने का तो ज़्यादा शौक है। सर प्लीज़ आप बताओ सर, आए इतना वैल्यूबल टाइम दिया आपके रेस्टोरेंट में, क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत अच्छा लगा हमको आप पधारे, बहुत बढ़िया लगा सर, योगेश भाई के सहयोग से हमारा ये आपका प्रोग्राम हुआ, हमको बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा प्लीज़ आप। सलीम भाई मेरे बहुत जुने दोस्त हैं और इनकी हर फिल्म में मैं जुड़ा हुआ हूँ, और इतने अच्छे इंसान हैं कि मैंने एक कॉल किया तो मेरे लिए जो इन्होंने मेरा वर्ड ऑनर किया उसके लिए मैं इनका शुक्रिया करता हूँ कि इतने बड़े आदमी होने के बावजूद उन्होंने अपना व्यस्त समय से अपना शेड्यूल से टाइम निकाला। और मैं आपको बताऊँ कि ये जितना भी मैंने यहाँ पे टाइम गुजारा है, वक्त गुजारा है, इतने अच्छे अच्छे सज्जन लोगों से मुलाकात हुई है, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, इतने बहुत सारे दिन घर में गुजारे और लॉकडाउन में, और बहुत दिनों के बाद बाहर निकला हूँ तो बहुत अच्छा लगा, खाना भी बहुत स्वादिष्ट था। थैंक यू।